अगर मैं सनम से पूछती हूँ कि उसकी इंस्पिरेशन कौन सी औरत है, मतलब इंस्पिरेशन मैं औरत का नाम दूंगी, तो वो कौन है? विदाउट एनी डाउट मेरी अम्मा. हाँ, मैंने अपनी अम्मा को सारी ज़िंदगी देखा है कि उन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे तरीके से रेस किया. कोई मेरी अम्मा से मिलता ना तो वो कहता है कि ये तुम्हारी अम्मा लगती नहीं है, मेरी अम्मी बहुत पोलाइट है. हाँ, मतलब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी अम्मा बहुत ही पोलाइट है. मेरी अम्मा एक वर्किंग वूमेन भी रही हैं. मेरे अब्बू बहुत लविंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उनकी. उनको भी संभालना मुश्किल काम है, पर उन्होंने मोहब्बत में संभाला, अम्मा ने पोलाइटनेस में. हाँ हाँ, मेरे अब्बू यू, मेरे अब्बा का ये है कि भूख लग रही है खाना चाहिए, अगले 2 सेकंड में खाना सामने चाहिए. ये मेरे मियाँ यही बात है, ठंडी रोटी ला दो. हाँ, गर्म नहीं चाहिए. गरम बनाने लग जाओ तो अब्बू का मीटर थोड़ा सा वो जाता है कि जब मैं कह रहा हूँ ठंडी ला दो तो ला दो, खत्म. तो वो आ रहा, तो उसके अम्मी ने अब्बू को भी संभाला, 4 बेटियों को मतलब बड़ा किया, अच्छे से अच्छी एजुकेशन. क्या तुम्हारी अम्मी को कभी सुनना पड़ा कि बेटियाँ, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में माशरे में होता है, बेटा नहीं है चलो इंशाल्लाह अगली दफा अल्लाह देगा, यानी कि बेटी? तो बहुत छोटी थी, मुझे नहीं लगता. अम्मी ने कभी डिस्कस नहीं की तुमसे? नहीं नहीं, कभी इस तरह का कुछ नहीं था. आई एम श्योर हर किसी की ख्वाहिश होती है दिल में, कसाम की भी. हाँ, कि जब हम, मैं अलाय को एक्सपेक्ट करी थी, उसको लग रहा था बेटा, हमने कोई नाम भी सोच लिया था, जो जयान, जयान से हम बात कर रहे होते थे कि जयान हाउ आर यू और ये और वो. और उसके बाद जब हमें पता चले कि बेटी है, तो किसान एक सेकंड के लिए थोड़ा सा उससे हमने आई लैशेस को ना, उसकी आंखें जब वो ऑकवर्ड होते तो यूं करने लगता है. हाँ, सोचता है यूं करके, तो मैंने एकदम उसको पकड़ लिया. कितने बहन भाई हैं उसके? खुद वो 3 भाई हैं. 3 भाई? अच्छा. हाँ, okay, तो वो था ना कि मेरे भी तो भाई हैं सारे. फुल उसने सोचा था कि हम बॉक्सिंग करेंगे और मैं ये कराऊंगा उसको. हाँ, वो कराऊंगा उसके लिए ये. और कसाम की अम्मी को देखो, वो लड़कों की चीजें शॉपिंग करी थी जब हम अमेरिका में थे ना, और मुझे इतना गुस्सा आया. मैंने देखा, मैं लड़कियों की चीजें शॉपिंग करी थी, हमें किसी को पता नहीं क्या होने वाला. हाँ, तो मैं क्यूट, मुझे तो लड़की चाहिए थी. मैंने दुआ की थी अल्लाह मियां से कि मुझे तो बेटी चाहिए, बस. हाँ, बस बस मुझे लड़के नहीं चाहिए थे, क्योंकि मुझे पता है जो बेटियां होती हैं वो माँ बाप की होती हैं. हम क्योंकि शदीद अपने अब्बू अम्मी से प्यार मोहब्बत करते हैं, और मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे होता है लस्सी भी ले रही हूँ, अब्बू पियेंगे? हाँ, या मैं नहीं भी पूछू तो मैं ले लूंगी. हाँ, अब लड़कों में ये चीज नहीं होती. चाहे कुछ भी कर. अब मैं कसाम के अब्बू अम्मी के लिए इस तरह सोचती हूँ, मैं जा रही हूँ तो हाँ अम्मी लस्सी पियेंगी, नहीं बेटा नहीं. लेकिन लड़के नहीं सोचते. मेरे पास दोनों है ना, बेटे भी हैं और बेटी भी. टेल मी. तो मेरे पास तो डिफरेंस होता है, मेरी बर्थडे होती है या मदर्स डे होता है, लड़की एक्सप्रेसिव होती है. बेटी ही मेरे लिए सरप्राइज रखती है. और मेरा बेटा हालांकि ट्यूशन पढ़ाता है अभी, वो कमा भी रहा है. वाओ. पर वो नहीं मुझ पे कुछ खर्च करेगा. मेरी बेटी पॉकेट मनी जमा कर कर के, और फिर इस दफा उसने जो गिफ्ट मुझे दिया मेरी बर्थडे पे, तो अपने भाई से भी पैसे लिए, छोटे वाले का भी नाम शामिल किया. तो बेटियां वाकई वो देना जानती हैं.